वेलकम बैक टू माई चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ पपीता खाने के फायदे। तो इतना नॉर्मल सा दिखने वाला पपीता इतना फायदा भी करता है, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। और सबको फल खाने चाहिए, ये तो सभी लोग जानते हैं कि फल बहुत फायदा करते हैं, लेकिन पपीता कितना फायदा करता है और इतना मतलब बहुत ज़्यादा महंगा फल भी नहीं है और इतना ज़्यादा फायदा करता है ये नॉर्मल सा दिखने वाला पपीता, वो आज के वीडियो में आप जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किन लोगों को पपीता नहीं खाना चाहिए। वैसे तो सभी लोगों को खाना चाहिए, लेकिन कुछ एक सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें पपीता नहीं खाना चाहिए, तो वो भी आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना और वीडियो को पूरा देखना, तभी आप जान पाएंगे कि ये नॉर्मल सा दिखने वाला पपीता कितना कितना ज़्यादा फायदेमंद है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि हमारी बॉडी के हर एक फंक्शन में पपीते का काम है और कितना फ़ायदा करता है पपीता। यहाँ तक कि स्किन के लिए भी, पूरे बॉडी के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए पपीता कितना ज़्यादा फायदेमंद है और उसे हम लोग इग्नोर करते हैं। जब भी फल की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग का ध्यान एप्पल की तरफ जाता है कि एप्पल खाना चाहिए, घर में सबसे पहले एप्पल ले आते हैं। तो आज का वीडियो देखने के बाद आप पपीता भी लाएंगे मार्केट से, तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में और पूरे वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि पपीते खाने से आपकी बॉडी को क्या क्या फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे के वीडियो में बताते हैं आपको कि पपीता खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है और जिन लोगों को नहीं खाना है उस बारे में भी मैंने बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं पपीते के फ़ायदे की एक लंबी लिस्ट। तो चलिए बात करते हैं पपीते के बारे में। पपीता बहुत आसानी से हजम होने वाला फल है। पपीता आपकी भूख बढ़ाता है, कब्ज दूर करता है, बहुत शक्तिवर्धक होता है, यकृत के रोग दूर करता है, कब्ज को भी दूर करता है और पाचन तंत्र को सही रखता है, मजबूत रखता है। तो फ्रेंड्स पपीता खाना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा महंगा फल नहीं है और इतने सारे फ़ायदे हैं कि इसके फ़ायदे देखकर तो मैं भी हैरान हूँ। चलिए आगे और वीडियो में इसके फ़ायदे आपको बताती हूँ। पपीते का सेवन करने से एसिडिटी दूर होती है। हृदय रोग के लिए भी पपीता बहुत फ़ायदा करता है। जिनको आंतों का रोग है वो भी पपीता खाएं, उससे उनके आंतों के सारे रोग खत्म होंगे। पपीते के पत्ते से भी बहुत फ़ायदा है, ना केवल पपीते से बल्कि पपीते के पत्ते भी बहुत लाभदायक हैं। ये ब्लड प्रेशर में फ़ायदा करते हैं, आँव दस्त में भी फ़ायदा करता है पपीता। और जिन लोगों को अम्ल पित्त की समस्या है इससे वह भी दूर हो जाती है। हृदय रोग के लिए तो काफ़ी फायदेमंद है ही। हृदय की धड़कन, जिन लोगों की हृदय की धड़कन अनियमित होती है, तो अनियमित होने पर आप पपीते का सेवन डेली करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी जो हृदय की धड़कन है वो नियमित होने लगेगी। और पपीते के सेवन से आपको क्या, आपको पता है कि पपीते के सेवन से आपके जख्म भी जल्दी भरने लगते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है आपकी। और गाइस, जिन लोगों को टॉयलेट में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे रुक रुक के हो रही है जिनको, या बहुत कम आ रही है, तो वो लोग पपीते का सेवन शुरू कर दें तो उनके ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, उसकी रुकावट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और पपीता वायु दोष को भी दूर करता है। कच्चा पपीता दूध के साथ खाने से त्वचा से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं, बालों में चमक आती है। और पपीता मासिक धर्म को भी नियमित करने का काम करता है। जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं वो पपीते का सेवन करें तो उनका पीरियड्स नियमित होने लगता है। पेट के बैक्टीरिया को समाप्त करता है पपीता। और जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं छोटे बेबी को, तो उसके लिए भी पपीता बहुत फ़ायदेमंद है, दूध बढ़ाता है। तो जो माताएं ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, तो वो भी पपीते का सेवन करें, से मिल्क की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और जिसको टॉयलेट की प्रॉब्लम है तो उनके लिए तो पपीता फ़ायदा करता ही करता है, और साथ साथ ये मोटापे को भी कम करता है। और जिन लोगों को खूनी बवासीर की शिकायत है ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और ये जो पपीता होता है इसमें कई तरह के विटामिन होते हैं, तो ये मल्टी विटामिन का भी काम करता है। एक फल को आप मल्टी विटामिन के टैबलेट अगर नहीं खा रहे हैं और पपीता खा रहे हैं तो यह आपकी सारी कमी को पूरा करेगा। इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है, ये आँखों के लिए भी फ़ायदा करता है। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है
उनको भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों को पीलिया है, जिनमें पीलिया रोग की शिकायत है, वो अगर नियमित रूप से पपीता खाते हैं तो आपका पीलिया भी इससे ठीक हो सकता है। और फ्रेश होने के लिए जो आप लोग चूरन खाते हैं, उस चूरन को खाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कि अगर आप डेली पपीता खा रहे हैं तो उस चूरन को खाने की भी आवश्यकता नहीं है, ये कब्ज को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और जो हम लोगों में बीपी हाई लो ये सब शिकायत होती है, उसको भी बिल्कुल ख़त्म कर देता है पपीता। और जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत है, वो लोग दूध के साथ पपीते को खाएं डेली, तो बिल्कुल कब्ज़ दूर हो जाएगी। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, वो भी पपीता खाएं, क्योंकि ये जो है लीवर को, पपीता जो है वो लीवर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो लीवर से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं, सब ये पपीता ख़त्म कर देता है। छोटे बच्चों में अगर हाइट का प्रॉब्लम है या उनका विकास नियमित रूप से नहीं हो रहा है, तो आप छोटे बच्चों को पपीता खिलाना शुरू कर दीजिए, उनका विकास जल्दी तेज़ी से होने लगेगा और लंबाई भी बढ़ सकती है। पपीते का दूध और सुहागा ले लें थोड़ा, और थोड़े से उबलते हुए पानी में उसे डाल लें, और उससे जहाँ पर दांत खाज खुजली है, अगर आप उसे उस पानी से उस पार्ट को धोते हैं, तो वहाँ की दांत खाज खुजली बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक पपीते का फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदे ही फ़ायदे हैं पपीते के। और इसके नुकसान क्या है, ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। हृदय से संबंधित सारे रोग जो हैं वो पपीता खाने से ख़त्म होते हैं। और हाँ, यदि आप अपनी खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं तो भी ये काम आएगा। पके हुए पपीते को पीस के क्रीम की तरह लगा लें, और 15 से 20 मिनट तक आप इसे लगा लें और सूखने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें, और उसके बाद नारियल का तेल लगा लें अपने स्किन पर, तो आपको 10-15 दिन में खुद ही चेंजेस नज़र आएंगे, आपकी स्किन ग्लो करेगी, कील मुहासे जो भी हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे, चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, चेहरे को सॉफ्ट भी बनाता है। और हाँ, पपीता हीमोग्लोबिन भी आपका बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन जिसका भी कम है, वो पपीते का नियमित रूप से सेवन करें, तो हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी आपका बढ़ जाएगा। और नियमित रूप से अगर आप इसे खा रहे हैं, तो आपका मोटापा भी बहुत दूर चला जाएगा। और अगर मोटापा आपको दूर करना है, तो उसके लिए आपको 300 ग्राम पपीता डेली खाना होगा, तब आपको फ़र्क पता चलेगा। ऐसे नहीं कि कभी खाया कभी नहीं खाया, तो उससे जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। और खूनी बवासीर की शिकायत के लिए, तो नियमित रूप से आप आधा किलो पपीता डेली अगर खा रहे हैं, तो बवासीर आपका ठीक हो सकता है। और जोड़ों के दर्द में भी ये बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि जैसे पपीते के पत्ते से आप सिकाई करते हैं, उसे बांध लें, जहाँ पर भी आपके दर्द है, उस पपीते के पत्ते को आप वहाँ पर बांध लें, तो आपका दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा, और उसे चिकनी तरफ से बांधें। और दस्त होने पर भी, जैसे लूज मोशन हो जाते हैं, तो ही आप ये पपीता खा सकते हैं, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता है। और आपको फिर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नुकसान करता किसको है, मतलब फ़ायदे तो इसके इतने सारे हैं, लेकिन ये नुकसान किन लोगों को करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि पपीता गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि बहुत गर्म होता है, तो ये उनको नुकसान कर सकता है। और जिनको अधिक पीरियड्स की प्रॉब्लम है, जिनका पीरियड्स ज़्यादा होता है, वो भी पपीता बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि इसे और ज़्यादा होने लगेगा। और कुष्ठ रोग में, प्रमेह रोग में, इसमें भी आपको पपीता नहीं खाना है। और महत्वपूर्ण बात जानने वाली यह है कि अगर पपीता गर्भवती, इसलिए अगर पपीते के बीजों को अगर खा ले, तो उसका गर्भपात भी हो सकता है, अबॉर्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों, फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं, और नुकसान जो है वो एक परिस्थिति में नहीं खाना है बस आपको, बाकी तो फिर सबके लिए फ़ायदेमंद है ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग भी अब अपने डाइट में पपीते को शामिल कर लें, फ़ायदा है। और जो मैंने नुकसान बताया कि किन लोगों को नहीं खाना है, बस वो परिस्थितियां ख़त्म होते ही वो भी वो पपीता खा सकते हैं। तो इन बातों का गाइस ध्यान रखना, और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करना, और जिनके लिए ये वीडियो फर्स्ट है, अगर वो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लेना। अच्छे अच्छे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी, और गाइज बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना। ओके, बाय बाय।